हे एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज हम बनाने वाले हैं मिल्कमेड, बिल्कुल मार्केट जैसी, घर पे। मार्केट वाली जो मिल्कमेड होती है उसके बारे में हमें पता नहीं होता है कि वो लोग क्या क्या इंग्रेडिएंट्स उसमें यूज़ कर रहे हैं और किन किन तरीक़ों से उसे बना रहे हैं, किन किन प्रोसेसेस के थ्रू। तो हम बेटर है कि घर पर बनाएँ एकदम प्योर और रियल इंग्रेडिएंट्स के साथ। इसका टेस्ट बिल्कुल मार्केट जैसी मिल्कमेड का होता है, पता ही नहीं चलता कि हमने घर पे बनाया है या बाहर का है। आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी भी एकदम बाज़ार जैसी मिल्कमेड की आई है, एकदम परफेक्ट बना है। और इसमें हमने कोई भी प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं किया है। जो मिल्कमेड बाहर मिलता है उसमें वो लोग पता नहीं इसे लॉन्ग लाइफ देने के लिए कितने प्रिजर्वेटिव्स मिलाते हैं। तो ये टेस्टी और ईजी मिल्कमेड बनाना हम स्टार्ट करते हैं। बिफोर दैट, मेरे चैनल स्वीट एंड स्पाइसी कॉर्नर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले मैंने यहाँ एक कढ़ाई ली है, उसमें मैं थोड़ा सा घी डाल रही हूँ ताकि जो दूध है वो लगे नहीं। घी को हम चारों तरफ अच्छे तरीके से फैला देंगे। फिर मैंने यहाँ अमूल का फुल फैट वाला मिल्क लिया है, 1/2 kg। इसे हमें बॉईल करना है। तो हमें वेट करना है जब तक हमारा मिल्क बॉईल हो रहा है। इसमें जब मिल्क बॉईल होने लग जाए तब डालेंगे चीनी। चीनी मैंने 1/2 kg यूज़ किया है, सेम क्वांटिटी दूध के जितनी। अगर आप 1 kg मिल्क ले रहे हैं तो 1 kg चीनी का यूज़ करें। और चीनी को हमें चला चला करके अच्छे से मेल्ट कर देना है। फ्लेम मीडियम रखें, नहीं तो चीनी जल जाएगी तो फिर उसका टेस्ट पूरा ख़राब हो जाएगा। तो देखिए, चीनी मेल्ट होने के बाद हमारा जो दूध का कलर है वो भी एकदम चेंज हो गया है, बहुत ही प्यारा कलर आ गया है दूध में। इसे अभी हम बॉईल होने देंगे और चलाते रहेंगे। ये मेरा मिल्क पाउडर, मैंने 5 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर लिया है। इसको डालने के बाद अच्छे तरीके से चला देंगे ताकि गुलठियाँ ना रह जाएँ। ये वीडियो मैंने फास्ट फॉरवर्ड में किया है, पर यह काम आपको बहुत ही आराम से करना है। मिल्कमेड का इस्तेमाल हर तरीके की मिठाई बनाने में, बहुत सारे तरीके के केक बनाने में, या बच्चे इसे नॉर्मली रोटी या पराठा से खाने में भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो फिर मैंने यहाँ एक हैंड विस्क ले लिया है, उससे और भी अच्छे तरीके से और जल्दी जो हमारी गुलठियाँ हैं दूध में वो मेल्ट हो जाएंगी। तो जो गुलठियाँ थी वो अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुकी है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चुटकी बेकिंग सोडा, इसे मीठा सोडा के नाम से भी जाना जाता है। अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। और दूध में बॉईल आने लग गया, ये देखिए दूध ऊपर की तरफ उठने लगा है। हम इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे और दूध की कंसिस्टेंसी में पहले से बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ गया है। हमारी जो दूध है वो पहले से काफ़ी हद तक गाढ़ी हो गई है। पर मिल्कमेड तो हम सभी जानते हैं किस तरीके से होता है, तो हमें अभी इसे और भी ज़्यादा गाढ़ा करना है। इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे बिल्कुल इसी तरीके से। इसे हमें एक तार का बनाना है, जिस तरीके से हम चाशनी बनाते हैं ना एक तार की, जब इसमें एक तार बनने लग जाए तो समझ लीजिएगा कि हमारी जो मिल्कमेड है वो बनके तैयार हो गई है। और आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी अभी थोड़ी सी कम है, बट जब ये ठंडा हो जाएगा तब एकदम परफेक्ट बन जाएगा। मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। गैस की फ्लेम ऑफ़ करने के बाद भी इसे हमें कंटिन्यू ठंडा होने तक चलाते रहना है, नहीं तो इसके ऊपर वो पतली सी लेयर बन जाएगी जो हमें नहीं चाहिए। मिल्कमेड एकदम क्लियर बनना चाहिए कि हम उसे जब भी यूज़ करें तो उसमें वो लेयर ना बने ऊपर से। तो इसे चला चला करके ठंडा करेंगे हम। सो गाइस, मेरा जो मिल्कमेड है वो बनके तैयार हो गया है, एकदम ठंडा हो गया है।
अब मैं इसे इस जार में स्टोर करने वाली हूँ। ये एटलीस्ट एक हफ्ते तक हम इसे स्टोर कर सकते हैं और आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी एंड ऑल इज़ सो परफेक्ट। बहुत ही परफेक्ट हमारा मिल्कमेड बनके तैयार हुआ है। ये जो बॉटल है वो 500 ग्राम की बॉटल है, यानी हाफ के जी की, और मिल्क भी मेरा हाफ के जी था। तो टोटल हाफ के जी मिल्क में मैंने हाफ के जी मिल्कमेड बनाकर रेडी किया है। तो आप देख सकते हो बहुत ही परफेक्ट इसकी कंसिस्टेंसी है और टेस्ट एकदम मार्केट जैसे मिल्कमेड का है। तो मैंने जो हमारे बर्तन में मिल्कमेड लगा था सब कुछ छुड़ाने के बाद पूरी बॉटल मेरी जो जार है मिल्कमेड में स्टोर करने वाली हूँ वो भर चुका है। और आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, एकदम बाजार जैसी परफेक्ट। तो था ना कितना इजी ये बनाना और कितना जल्दी बन के रेडी हो गया। सो गाइज, गिव दिस रेसिपी अ ट्राई एंड लेट मी नो। तो आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरीके की न्यू रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।